जगह है, देख रहे हो, आरजे सुपरमार्केट दिख रही है जगह, ये जगह दिख रही है आपको, आरजे सुपरमार्केट। हाँ ये एनिमेशन है, किसने बनाया? तुम्हारे सर, उनकी टीम, और मेन टीम तो है मैडम। देखो तो ये आरजे सुपरमार्केट पे शॉपिंग वॉपिंग हो रही है। अय हाय, मास्क तक लगा रखे हैं, देख रहे हो आप, देख रहे हो। ये नीली नीली आंखें, टुरुरु टुरुरु। ओके हाँ, तो ये क्या हो रहा है, ये शॉपिंग वॉपिंग हो रही है, ये पैसे निकाल के दिए, देखा आपने, पैसे दे रही, पैसे। अब देखो हमारा आरजे स्टोर्स जो है वहां क्या हो रहा है, वो मैडम ने पैकेट खरीदे, मैडम ने पैकेट खरीदे, तो जैसे ही उसने वहां एंट्री डाली, ये सिस्टम क्या है, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, ईआरपी है। तो इस ईआरपी ने क्या करा, स्टोर्स वाले पे अलर्ट दिखाना चालू कर दिया कि भाई सीरियल पैकेट जो है, कॉर्नफ्लेक्स जो होते हैं बेटा, हाँ, सीरियल पैकेट्स आर ओनली 10 लेफ्ट, मटेरियल रिक्विजिशन नोट जेनरेटेड, समझे, रिक्विजिशन नोट जेनरेट कर दिया गया। ओके, और ये जो रिक्विजिशन नोट है, हमने अपने सप्लायर को, मान लो सप्लायर अपना चोजन है, तैयार है, रेडी है, तो सप्लायर को हम लोगों ने पहुंचा दिया है, कहाँ पे, मेसर्स एबीसी सप्लायर्स। तो उनके सिस्टम में अलर्ट दिख रहा है कि 100 पैकेट्स ऑफ सीरियल रिक्वायर्ड, दिख रहा है आपको, लाल 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 अलर्ट दिख रहा है। हाँ, हमने लिंक कर लिया उनको भी साथ में। अगर हम अपने सप्लायर को भी अपने सिस्टम से जोड़ लें, तो उसे बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट मॉड्यूल डालना, ठीक है ना। अगर आप अपने सिस्टम्स में, अपने ईआरपी में सप्लाई चेन वालों को, यानी अपने एक्सटर्नल लोग हुए ना सप्लाई चेन वाले, उनको भी जोड़ दें, तो हम क्या बोलेंगे, सप्लाई चेन मॉड्यूल डालना कहते हैं उसे। और जब आप अपने सिस्टम्स में कस्टमर्स को भी जोड़ लेते हैं, जैसे अमेजोन वगैरह करते हैं, कस्टमर्स जाते तो है नहीं वहां पे, अमेजोन वगैरह ने क्या करा, पूरा सिस्टम्स पे जोड़ लिया, एक एप्लीकेशन दे दिया, और एप्लीकेशन यूज करो, आगे काम करो, तो क्या हो जाएगा, वो भी जुड़ जाएंगे। अब आप मुझे बताओ, ये तो सिस्टम सिस्टम ने करा है, आपको ऑटोमेशन महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस वजह से ये जो काम अपने आप हो गए, इनसे ऑटोमेशन महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। और ये तभी हो पाएगा जब इंटीग्रेशन रहेगा, अगर इंटीग्रेशन नहीं रहेगा तो फिर तो वो फिर वापस बताना पड़ेगा, हाँ भैया ऐसा है ना, सुनो 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 सुनो, अब ना ऐसे ऐसे भेज देना हमें, हाँ, फिर क्या मतलब रह जाएगा, तो उसके बाद मतलब नहीं रह जाएगा, मतलब तभी है जब एक्चुअल में अपने आप होता है। आप देखते हो अमेजोन के अंदर क्या होता है, अमेजोन के अंदर द रिटेलर जो भी आपको सामान बेचता है, वो भी उसमें दिखा रखा होता है, उसको भी पंच किया हुआ होता है, करा हुआ होता है कि नहीं करा हुआ होता है, यानी उनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी हो रखा है इंटरनली। आप में से मुझे नहीं पता अमेजोन पे कितने लोग सेल करते हैं, लेकिन जो लोग सेल करते हैं, जैसे है ना, मेरे जो हमारे जो ससुर जी हैं, उनका काम है, ठीक है ना, तो वो अमेजोन पे सामान बेचते भी है, उनकी कुर्तियां वुर्तियां जाती हैं, कपड़ों का काम है अच्छा खासा, राइट। तो जब वो कपड़े बिकते हैं, तो उस पे अमेजोन पे रजिस्टर करना होता है, तो जब रजिस्टर करते हैं आप, तो वो सप्लायर हैं क्योंकि, तो सप्लायर को है ना सब कुछ डालना पड़ता है, और उन्हें ना क्वांटिटीज अपडेट करते रहनी पड़ती है, और वही क्वांटिटी आपको दिखा रहे होते हैं। तो आप मुझे बताओ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया नहीं हो गया? तो अगर आपके पास क्वांटिटी नहीं है और आपने अपडेट कर रखी है, तो गलत है, ऐसा तो करते भी नहीं है। फिर उन्हें कैसे मालूम कि किस पे कितना ऑफर रहता है? उसमें क्या होता है, उनका एक मॉड्यूल होता है बेटा, वहां पे ना वो लोग ऑफर्स ना अपडेट करते रहते हैं सिस्टम में, वो ऑफर सारे सिस्टम में अपडेट हो जाते हैं, ठीक है ना। और अगर कोई ऑफर होता है, और अगर वो बारकोड से स्कैन होता है, तो उसमें वो ऑफर अपने आप रीड किया जाता है, क्योंकि बारकोड में डाला जाता है वो भी, राइट। तो दोनों इंफॉर्मेशन रहती है। अच्छा एक और बात बता दूं, जब आप बारकोड स्कैनिंग करते हैं, तो वो काला हिस्सा नहीं, वो सफेद हिस्सा पड़ती है मशीन जो होती है, पता है आपको? कुर्ता पजामा काला 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 काला, कितनी भी बार काला काला गालो, लेकिन वो सफेद ही गिनेगा, ठीक है ना, वो सफेद को पड़ता है। अच्छा सुनो मेरी बात, मुझे ये बताओ, टोनी भाई वाकई में ओपी है, ये तो मैं मानता हूं। अच्छा मेरी बात सुनो, ये हमारा वेयरहाउस दिख रहा है आपको, किसका, हमारा नहीं, ये है एबीसी सप्लायर्स, तो ये लेके चले हमारे लिए सीरियल पैकेट डब्बों में बंद करके, कि चलो वहां पहुंचाएंगे। अब देख रहे हो, अटेंशन टू डिटेल,
फ्रेजाइल मार्किंग भी हो रखी है कार्टन्स पे, आप देख रहे हो क्या एनिमेशन किया हुआ है। आप ये देखेंगे एसी का पंखा चल रहा है, देखना आपको बड़ा अच्छा लगेगा देख के, देख रहे हो अटेंशन टू डिटेल। और हमारे स्टोर्स में गुड्स रिसीट नोट आ गया और ये आ गए डब्बे, देख रहे हो वो जो डब्बे लेके चले थे इधर। वो डब्बे अब हमारे पास आ गए, आ रही है मौज। आ रही है मौज, आ रही है। और हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बिल आ गया, थोड़ा पीछे लेता हूं, हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बिल आ गया। तो ये है हमारा इनवॉइस, हमारे पास इनवॉइस भी आ गया हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में तुरंत। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसने सिस्टम के लिए वहां पे भेजा, वहां पे गुड्स रिसीट नोट मिल गया, इधर क्या आ गया, इधर अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे इनवॉइस आ गया। तो ये सब इकट्ठा काम हो रहा है, मजा आ रहा है। ये लगता है सरदार जी जो है अपने बेटे को भी ले आए हैं यहाँ, बढ़िया है। कभी कभी मैं ऐसे मस्ती भी करता रहता हूँ, तो ये जानबूझ के करीबी चीजें हैं। और ये देख रहे हो आप सुपरवाइजर, ये मैं नहीं हूँ ठीक है ना, मैं तो देखूंगा ही नहीं, मैं इतनी बड़ी ग्रुप का मालिक हूँ भाई, ऑफकोर्स। हाँ, वाई वुड आई गो टू ऑफिस, ठीक बात है। हाँ, सब दे दिया हमने कि तुम संभालो। हाँ, मैं तो बेटा ये जो पीछे दिख रहा है टावर, हाँ यहाँ बैठा हूं मैं अंदर पीछे, ये दिख रहा है बड़ा सारा टावर पीछे खिड़की में, पीछे वहां हूं मैं। चलो, तो ये भी मजे आ रहे हैं। देखो सिस्टम्स का सबसे बड़ा फायदा क्या है, देखो इतना सब कुछ ऑटोमेशन करा, एक तो सारा का सारा डेटा जब एक जगह है तो उस डेटा पर रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छे बनेंगे कि नहीं बनेंगे सोच के देखना। ये देख रहे हो इस चूजे को, लग रहा है निकाला जाएगा, ऐसे मोगली जैसे लोग हम वैसे भी कंपनी में नहीं रखते, पता नहीं कहां से आ गया है, इसको निकालेंगे ठीक है, इसको निकालेंगे। हाँ, ऐसा उदास होकर यूं बैठा है, ध्यान भी नहीं है इसका। खुद के बाल ठीक करने में रहेगा और ये क्या गोटी, हाँ बकरी बनने में रहेगा, क्या करेंगे ऐसे इंसान का, इसको निकालेंगे। पता नहीं हुडी शुडी पहन के कहाँ से आया है, ज्यादा स्टाइलिश हो रहा है, मैंने धक्का देना है अपनी कंपनी से। चलो ये बाकी लोग देख रहे हो आप, हाँ ये चार्ट वार्ट डिस्कस कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, ये अपने आप बन जाएगा अगर आपके पास सारा डेटाबेस एक साथ एक ही जगह पे हो, तो आप पूरे की पूरी अच्छी एनालिसिस और रिपोर्ट्स बिल्ड कर सकते हैं। और क्या आपका ईआरपी आपके लिए कुछ रिपोर्ट्स भी निकाल के दे सकता है? हाँ, एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या ईआरपी के अंदर हो सकता है? ऑफकोर्स हो सकता है, क्यों? क्योंकि सारा डेटा पड़ा है, डेटा को क्लासिफाई करना और डेटा को अरेंज करना और उसके ऊपर रिपोर्ट दे देना कोई बहुत मुश्किल कार्य तो नहीं। अच्छा, और तो देखो जरा, नेटवर्क की वजह से हम लोग सब लोग अलग अलग नहीं एक साथ ही काम कर रहे हैं। अच्छा, ये भी सेम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है पहला वाला जो आदमी है, ये दूसरी वाली जो मैडम है वो भी सेम सॉफ्टवेयर पे ही काम कर रही है, एक ही ईआरपी पे काम कर रही है, और ये जो तीसरी वाली मैडम है वो भी एक ही ईआरपी पे, ये सब लोग नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो बहुत मजा आ रहा है उस वजह से। और ये जो नेटवर्क है ये सर्वर से जोड़ा हुआ है हमने, ये जो नेटवर्क है ये हमारे, ये जो दिख रहे हैं ना आपको ये तीन तीन तीन, ये सब सर्वर है, मैं आपको अभी सर्वर रूम भी दिखा दूंगा। और ऐसे ही हम पूरी दुनिया में अपना काम करा पा रहे हैं, कब्जा हो रखा है। तो सेंट्रलाइज डेटाबेस नेटवर्क हो गया, सेंट्रलाइज डेटाबेस, सेंट्रलाइज एप्लीकेशन ऑन द सर्वर, एंड यू आर एक्सेसिंग इट थ्रू द नेटवर्क, दिस इज द रियल थिंग। तभी आज आप दुनिया भर में बिजनेस कर पा रहे हैं, यहां दुनिया को दिखाने का मतलब क्या है, आप दुनिया भर में काम कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ओनली। अच्छा, सोचा था इतना अच्छा एनिमेशन भी देखने मिलेगा, सच्ची सच्ची बता रहा, उम्मीद तो नहीं किया था ना बिल्कुल भी कि ऐसा भी कुछ मिल जाएगा। ये तो सोने पर सुहागा हो गया ना। हाँ, बोले कि यार क्या कर रहा है यार ये आदमी आज, तो मतलब ओ भाई। अच्छा, और देखो और देखो और देखो, हाय हाय मेरी पृथ्वी घूमी 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 घूमी। ये है भाई सर्वर रूम, ठीक है ना। हाँ, तो मैम की मेहनत है, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, ऐसे दिखते हैं सर्वर रूम। यहाँ तो बहुत कम लगाए हमने स्टैक्स, बहुत कम लगाए स्टैक्स, और भी ज्यादा होते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए, दर्शन अभिलाषियों के लिए इतना काफी है मुझे ऐसा लगा, तो हमने इस तरह से बनवाया इसे, ठीक है। कैसी लगी, आ गए स्वाद? अरे बेटा, ये जो यहाँ पे काम करते हैं ना एकदम मतलब थक थका जाते हैं, पक पका जाते हैं, ये नीचे बैठ के भी काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, काम में ध्यान है ना इसका, आप ये देखो।
हमें क्या पता है स्क्रीन में क्या देख रहा है, काम पे ध्यान है उसका, काम करने दो उसे। राइट, तो ये हुआ हमारी तरफ से काम खत्म। आया मजा? देखा वो कुछ टाइप कर रहा था, अगर सिर्फ देख रहा होता मैं अभी जॉब से निकालता उसे भी।